हाय ऑल ऑफ यू, आज हमने अपने आयाम को थोड़ा सा मोड़ दिया है, तो चलें आज हम किसकी बात करेंगे। तो पहले बता दूं, तो ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन माय चैनल लर्न बियॉन्ड, है ना। आज से जिस नए आयाम की हमने शुरुआत की है, बेसिकली MCQ होगा, है ना, बैंकिंग का MCQ होगा, क्योंकि बहुत सारे थ्योरी हमने देखे, बहुत सारे पार्ट अभी तक हमने पढ़े, मोर देन 50 पार्ट्स। तो उसके बिहाव पे हम MCQ, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन है, जो जनरल अवेयरनेस का आपका पार्ट है, उसको हम सॉल्व करके देखने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने 15 टॉप मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक जो आपकी छोटी छोटी वीडियो होगी, उसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग के क्वेश्चन जो होंगे, जो रिलेवेंट होंगे, जो संभवतः बहुत लंबे समय तक के लिए चेंज नहीं होते हैं, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ ऐसे बहुत सारे पार्ट आपके पास आएंगे, तो अपने पार्ट को देख के ही आप उसको ऑप्ट आउट करें कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन के साथ हमने चॉइसेस भी बनाए हैं आपके, सो देट आपका जो डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। वन बाय वन करके हम क्वेश्चन को पढ़ने और उसको सॉल्व करने की हम बात करेंगे। चलें शुरुआत करते हैं हम आपकी वीडियो, और आज के पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है देखें। लिखा है बैंकिंग अम्बोजमेंट स्कीम इज एप्लीकेबल टू द बिजनेस ऑफ, किसके लिए बैंकिंग अम्बोजमेंट का स्कीम है। तो मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके, मल्टीपल चॉइसेस में क्या लिखा है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग RRB, सेकेंड इज ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग RRB, थर्ड इज ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक, फोर्थ इज प्राइवेट बैंक, एंड फिफ्थ इज ऑल शेड्यूल बैंक एक्सेप्ट प्राइवेट बैंक। तो आप जाने कि बैंकिंग एम्बोसमेंट की जो स्कीम है, जो बेसिकली कस्टमर और बैंक के बीच में कोई ग्रीवांसेज है, तो उसके लिए जो एक कोर्ट है, ये बेसिकली हर एक बैंकों के लिए है, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, है ना। शेड्यूल कमर्शियल बैंक प्राइवेट बैंक भी होते हैं, तो इस कारण से शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी उसका पार्ट होगा, प्राइवेट बैंक भी उसका पार्ट होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक भी उसका पार्ट होगा, और RRB भी उसका पार्ट होगा। तो प्राइवेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक बिकम द पार्ट ऑफ शेड्यूल बैंक। इस कारण से इसका जो एक सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक होंगे प्लस RRB होंगे, क्योंकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक का पार्ट पब्लिक सेक्टर बैंक भी होता है और प्राइवेट बैंक भी होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर बी तो सही है, लेकिन वॉट अबाउट ई। तो यहाँ पे देखें एक्सेप्ट प्राइवेट बैंक लिखा हुआ है, इस कारण से ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे रहता कि शेड्यूल बैंक प्राइवेट बैंक प्लस RRB, तो ये सही ऑप्शन होता है, बट इस क्वेश्चन के आधार पे सही आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेयर ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड RRB, जहाँ पे जो कस्टमर और बैंक के बीच में डिस्प्यूट है, उसके लिए जो मैक्सिमम कंपनसेशन अवार्ड जिसको हम कहते हैं, वो 10 लाख तक का है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले कम अमाउंट का हुआ करता था, 1 लाख ही थे, अभी हाल ही के दिनों में RBI ने इसे बढ़ा दिया है। 1995 में बेसिकली हमने इस बैंकिंग एम्बोसमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया था, 2006 से ये फंक्शन हो गई, है ना। RBI का जो इसमें ऑफिसर होते हैं, वही बैंकिंग एम्बोसमेंट में जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी आपके लिखा था, तो हर एक में नीचे में आंसर भी लिखा हुआ है, वी कैन टैली कि वेदर जो हम बात कर रहे हैं वो सही है या नहीं। सेकंड इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम करती है, तो आप जानते ही होंगे जो मैंने पढ़ाया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ बैंक तो करती ही है। सेकेंड इज रेगुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो FDI है उस पर भी निगरानी आपकी RBI की होती है। नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट इन इंडिया, यस, जो भी डॉलर यूरो पाउंड का जो भी उतार चढ़ाव होता है वो RBI के ही अंदर होता है। नेक्स्ट इज करेंसी मैनेजमेंट, यस, करेंसी चेस्ट RBI के अधीन ही है। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई भी किसका पार्ट है, तो इसी का पार्ट है, है ना। पैसे को प्रिंट करने से लेकर भेजने तक का काम आपकी कौन करती है, तो RBI ही करती है। तो यहाँ पे आप जाने कि यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो FDI है वो बेसिकली SEBI के अधीन आता है, है ना। FII FDI जो है वो बेसिकली SEBI के अधीन है। तो यहाँ पे संभवतः मैंने आंसर में लिखा होगा, देखें टैली करते हैं, यस, बी इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ SEBI कैपिटल मार्केट, है ना। इसका आंसर बी, वो फंक्शन है जो RBI परफॉर्म नहीं करती है। चलें थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आर पे, क्या कहता है, एक बैंक इज कॉल्ड शेड्यूल बैंक व्हेन, शेड्यूल बैंक हम किसे कहते हैं। तो आप जाने कि शेड्यूल बैंक बेसिकली हम उन बैंकों को बोलते हैं जो RBI के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में शामिल होता है। तो देखें ऐसी बात हमने कहां लिखी है, तो यहां पर लिखा है बिजनेस, तो बिजनेस की कोई भी बात नहीं होती है, ब्रांच का नेटवर्क भी कोई बात नहीं है,
है ना, यहाँ पे द थर्ड ऑप्शन इट इंक्लूडेड द सेकेंड शेड्यूल, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। यहाँ पे आरबीआई एक्ट कौन सा है तो वो नहीं लिखा है, बट आप जाने कि आरबीआई एक्ट 934 शेड्यूल नंबर सेकेंड, जो बैंक इसे फॉलो करेगी द बैंक विल कॉल शेड्यूल बैंक, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन फोर की ओर, क्या लिखा है हमने तो देखें, इन इंडिया इट इज नेसेसरी टू हैव लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ओपनिंग ए न्यू ब्रांच, दिस इज ए रिक्वायरमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, है ना, कि एक बैंक को आरबीआई से लाइसेंस लेने के बाद ही अपने बैंक के ब्रांच की शुरुआत करना है, ये आपके कौन से एक्ट में लिखा हुआ है, तो आप जाने है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ये बेसिकली आरबीआई एक्ट का पार्ट नहीं है, नाबार्ड से कोई मतलब नहीं है, गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई की बात तो है नहीं क्योंकि एक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और ये एक्ट कब का है तो 1949 का है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कौन से नंबर सेक्शन में है, सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 24 इज इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम सीआरआर की बात करेंगे, बट यहाँ पे हम रोक लेते हैं थोड़ा सा कि सेक्शन नंबर 24 क्या है या 42 क्या है, तो 42 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे 42 को हम दरकिनार कर देते हैं, 24 को हम दरकिनार कर देते हैं, हम सिर्फ 22 की बात करते हैं, और वो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें एक बैंक को लाइसेंस लेने की बात निहित है, तो यहाँ पे आंसर देखें कौन सा आंसर है, दैट इज आंसर नंबर ए, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजेक्शन, देखिए आरटीजीएस एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जो 2 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होती है, जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख का है, एंड मैक्सिमम देयर इज नो अपर लिमिट, है ना, तो यहाँ पे आप जाने कि मैक्सिमम आरटीजीएस का कोई भी अमाउंट या अपर लिमिट फिक्स नहीं है, हेंस आंसर इज 5, लेकिन मिनिमम अगर लिमिट पूछता तो मिनिमम इज 2 लाख। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस, यहां पे इंश्योरेंस की बात कही जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय बैंक एज कॉर्पोरेट एजेंट्स इज नोन एज, तो बैंक इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं बेसिकली, तो आप जाने कि जनरल इंश्योरेंस तो बेसिकली एक जनरल इंश्योरेंस ही होता है ना, कि जो नॉन लाइफ है उनको हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस इसकी कोई बात नहीं है, बैंक जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचती है उसको जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड बैंक का इंश्योरेंस, तो यहाँ पे बैंक का जो स्पेलिंग होता है दैट इज BANK और इंश्योरेंस का INS करके जो स्पेलिंग होता है, बट यहाँ पे आप जाने कि बैंक जब इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है तो BANK की जगह आप BANC को याद रखेंगे और इंश्योरेंस के आई की जगह एश्योरेंस याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड बैंक का इंश्योरेंस, द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, बैंक का इंश्योरेंस, बैंक के द्वारा जब इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है द कंसेप्ट इज कॉल्ड बैंक का इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज टास्क फोर्स वॉज सेटअप टू सजेस्ट रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर, देखिए कुछ कमिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बैंक एग्जाम्स के लिए, चाहे वो शिवरामन कमेटी हो, नरसिम्हम कमेटी हो, या यंग एंड हिल्टन कमेटी हो, तो उसी आधार पर ये जो नरसिम्हम कमेटी है, क्लियर, ये नरसिम्हम कमेटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, आप ये कह सकते हैं कि बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ी हुई सबसे बड़ी कमेटी है नरसिम्हम कमेटी, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग कमिटी सजेस्ट रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर, नरसिम्हम कमेटी वुड बी द राइट आंसर, है ना, बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ी हुई सबसे बड़ी कमेटी नरसिम्हम ही है, 1991 में ये पॉलिसी आई थी और यही वो 1991 का पीरियड है जब हमने LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया था, तो नरसिम्हम कमेटी को हम यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है हमने, तो एवरी बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू यूज द वर्ड बैंक इन इट्स नेम एंड नो कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी कैन यूज द वर्ड बैंक, है ना, कि बैंक के कंपनी को ही बैंक का नाम यूज करना है, अदर देन बैंकिंग कंपनी जिसको बैंकिंग लाइसेंस नहीं है वो बैंक जैसे वर्ड का नाम यूज नहीं कर सकती है, ये कौन सा एक्ट में लिखा हुआ है, तो दिस इज अगेन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ही लिखा हुआ है और उसकी सेक्शन नंबर कौन सी है, 7 है। देखिए ऐसे चॉइस ठीक है, आप याद कर लेंगे, जब आपके पास ऑप्शन आएंगे कि सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ नेशनलाइजेशन एक्ट, वहाँ पे कन्फ्यूज वहाँ शुरुआत होता है, तो बैंक का नाम सिर्फ बैंक को ही यूज करना है, अदर देन बैंक
कोई भी बैंकिंग का नाम यूज करके अपना बिजनेस रन नहीं कर सकती है. दिस इज वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन विच रिटन अंडर सेक्शन 7 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. चले नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है हमने. क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है व्हाट व्हेन द रेट्स इन व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस. जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इनमें से क्या होता है. तो इन्फ्लेशन बढ़ता है इसका मतलब महंगाई आती है. महंगाई आती है तो दो कारणों से आती है, या तो प्रोडक्ट कम हो जाएंगे आपके पास, या फिर सबके पास क्या होती है तो पैसे का भाव फैलाव या फिर जो उसकी मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है. तो क्या होता है बेसिकली, तो पैसे का जब भाव होगा, सपोज आज हम 10 रुपये में 10 रुपये हम लेके जा रहे हैं तो हाफ के जी हमें मिल्क मिल रहा है, लेकिन पैसे का भाव अगर ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट कम होंगे तो क्या होगा कि जिनके पास 20 रुपये होंगे वो मिल्क परचेज कर लेंगे, जिनके पास 20 रुपये नहीं होगा नहीं परचेज करेंगे. तो इन्फ्लेशन बेसिकली ऐसा ही होता है कि प्रोडक्ट क्या होते हैं तो कम हो जाते हैं और पैसा क्या होता है तो बढ़ जाता है. उस कंडीशन में क्या होता है तो परचेज करने का जो पावर हमारे पास होता है वो क्या होता है तो डिक्रीज हो जाता है. जो आज हम 10 रुपये में हाफ के जी परचेज कर रहे थे वो कल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हाफ के जी का जो आपका मिल्क है वो उसका अवेबिलिटी कम हो जाता है. तो जिसके पास पैसे ज़्यादा वो हाफ के जी मिल्क परचेज करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि परचेजिंग की जो पावर है वो डिक्रीज हो गई. इसका ऐसे पैसे हमें ज़्यादा लगाना पड़ रहा है. क्लियर. तो यही वो आपका आंसर होगा कि व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस. ऑप्शन देखेंगे पढ़ के क्या है तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है. थर्ड देखते हैं परचेज पावर ऑफ मनी इंक्रीजेस. इंक्रीज तो नहीं होगा ना, डिक्रीज होगा. परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिमेन्स अनएफेक्टेड, ऐसा भी नहीं होता है. नहीं तो फिर इन्फ्लेशन डिक्रीजेशन का कोई मतलब ही नहीं होता. अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन डिक्रीजेस, तो इन्फ्लेशन बेसिकली बढ़ता है, जो सर्कुलेशन ऑफ अमाउंट है वो बढ़ जाता है. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर. विच आर द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ असबा. तो असबा का तो पहले फुल फॉर्म आप जान लें, दैट इज असबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट होता है. तो इसके नाम से ही थोड़ा सा आप अगर लेंगे तो आप संभव तक आंसर तक पहुंच सकते हैं. क्या है तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. तो यहाँ पे एक चीज़ आप खोजें, जब भी असबा से क्वेश्चन होगा तो इसके अगर फुल फॉर्म आपको याद होते हैं तो ब्लॉक्ड अमाउंट की बात है. तो सबसे पहले चलें और देखें. देखिए मैं कहता हूँ कि असबा मुझे नहीं आता. क्या होता है असबा नहीं आता, ओनली आई नो द फुल फॉर्म ऑफ असबा. उसके बिहाफ पे हम आंसर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे चलें कहाँ पे हमने ब्लॉक अमाउंट की बात की है. तो पहला ऑप्शन देखते हैं, असबा एप्लीकेंट हैज़ गॉट सर्टन प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज कम्पेयर टू जनरल एप्लीकेंट्स. ओके. सेकेंड, असबा एप्लीकेंट्स नीड नॉट रीमिट टू द फंड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर सी विल नॉट आफ्टर डू आफ्टर शेयर्स आर अलॉटमेंट टू हिम हर. नेक्स्ट, असबा एप्लीकेंट हैज़ गॉट सिक्योर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर. ओके. नेक्स्ट, असबा क्या लिखा है तो असबा एप्लीकेंट्स डिपॉजिट ओडी अकाउंट इज नॉट डेबिटेड ओनली द फंड आर ब्लॉक्ड. यहाँ पर ब्लॉक की बात होगी तो बेसिकली हमारा आंसर भी कौन सा होगा तो यही होगा, है ना. असबा बेसिकली अकाउंट होता है जो आपके फंड को ब्लॉक कर देता है, और जब शेयर परचेज करना आप चाहते हैं तो उस समय कंडीशन में आप कर सकते हैं. यहाँ पे मैं जो आंसर लिखा हुआ है वो डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर इज रॉन्ग. यहाँ पे आप हमेशा जाने कि आंसर इज नॉट डी, दैट इज ई, है ना. तो यहाँ पे आप आंसर से टैली मत ना करेंगे, संभवतः आंसर राइटिंग में या टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे है. तो असबा मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली जो हम शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं तो उसके लिए हम ये काम करते हैं, पैसे डाल देते हैं और फिर जब शेयर परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो डेबिट होता है. करें तो यहाँ पे डी को आप आंसर नहीं मानेंगे, है ना, दैट इज ई विल बी द राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं 11. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन, है ना. बैंक जो इंटरेस्ट आपको देती है आपके डिपॉजिट के ऊपर, जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कैसे कैलकुलेट होता है. सेवंथ डे पे होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, सिक्स मंथली होता है, या डेली होता है. तो आप जाने कि पहले ही वो क्वार्टरली हुआ करता था, बट एट प्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ बैंक कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस. नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या लिखा है देखें. ए सेंट्रलाइज डेटाबेस विथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी टू ब्रांचेज इंटरनेट एज वेल ATM नेटवर्क विच हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल मेजर बैंक्स ऑफ आर कंट्रीज नोन एज.
है ना, कि सब सारी बैंक, सारा बैंक का नेटवर्क है ना, एटीएम एक चैनल से जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो बेसिकली हमारा इन्वेस्ट करने के तरीके को हम कहते हैं। मोबाइल बैंकिंग, जो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पैसा यूएसपी हो या फिर यूएसएसआईडी हो, उसके आधार पर भेज सकते हैं। तो नेशनल बैंकिंग, ऐसा तो कोई बैंकिंग होता ही नहीं है। उसके बाद स्पेशलाइज बैंकिंग, दैट इज बेसिकली एक मर्चेंट बैंकिंग। तो यहाँ पे कोर बैंकिंग आप जानें, कि कोर जो होता है उसके फुल फॉर्म को भी आप जानें। कोर क्या होता है? सो सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, दैट इज कोर। तो यही वो कोर का नेटवर्क है जो हर एक बैंक को आपस में जोड़ के रखता है, सो दैट यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड विथ एनी अदर बैंक एटीएम। दैट इज कोर बैंकिंग, एक ऐसा चैनल जो हर एक बैंक के नेटवर्क को आपस में जोड़ के रखता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ की है, कि कौन सा मनी मार्केट पार्ट है, कौन सा कैपिटल मार्केट पार्ट है। तो यहाँ पे देखें, ट्रेजरी बिल ऑफकोर्स मनी मार्केट के साथ जाएगा, रीपर्चेज एग्रीमेंट ऑफकोर्स मनी मार्केट का पार्ट है, कमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट का पार्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दैट इज सी डी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मनी मार्केट, बट शेयर एंड बॉन्ड इज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर लिखा था कि कौन मनी मार्केट पार्ट नहीं है, तो ऑल अबव फोर ए बी सी डी आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट एक्सेप्ट ई, शेयर एंड बॉन्ड आर द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। चलें आगे, क्या लिखा है हमने? तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ शेड्यूल बैंक स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ये जो नॉट की बात है ना, वो बहुत अहम गौर से आपको देखना पड़ता है कि नॉट लिखा है या नहीं लिखा है। तो शेड्यूल बैंकिंग का पार्ट कौन सा नहीं है, है ना, मतलब शेड्यूल बैंक का जो आरबीआई के अधीन काम नहीं करता है उसमें कौन कौन सा है? तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अधीन है, पब्लिक सेक्टर बैंक आरबीआई के अधीन है, प्राइवेट बैंक ऑफकोर्स आरबीआई पार्ट, आरआरबी ऑफकोर्स आरबीआई नाबार्ड का पार्ट है, बट मनी लॉन्डर ये क्या है? तो ये गांव में आपस में पैसे लेते देते हैं, जिसका कोई भी डेटाबेस आरबीआई के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, तो वही क्या है? तो शेड्यूल बैंकिंग स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है हमने क्वेश्चन? तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी बेसिकली हम वैसे कार्ड को कहते हैं जिस कार्ड से आप कहीं भी कभी भी पैसा आप निकाल के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखें, डिमांड ड्राफ्ट, आप सोचें कि डीडी एक कार्ड है, ऑफकोर्स नॉट, बट क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड बोथ आर द पार्ट ऑफ प्लास्टिक मनी। तो जितने भी आपके कार्ड हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, है ना, चाहे वो किसी भी वेरिएंट का हो, वीजा मास्टर हो या फिर आपका रुपए हो, तो वो सब प्लास्टिक मनी का पार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, डिमांड ड्राफ्ट होगा नहीं, ओनली टू क्रेडिट कार्ड तो है ही, ओनली थ्री डेबिट कार्ड भी है, तो टू और थ्री कहीं है क्या? यस, टू एंड थ्री। तो टू एंड थ्री इज द राइट आंसर, दैट इज डी इज द राइट आंसर, प्लास्टिक मनी का वो पार्ट है। इतनी ही बात मैं आपके साथ करूँगा इस बैंकिंग MCQ के पहले पार्ट में। आप बने रहें हमारे साथ, कुछ नए पार्ट की बात हम फिर से आगे के वीडियो में हम आपके साथ चल के करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।